बेईमान हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जाओ। एक्सक्यूज मी जी, जी वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल। नाम बोलिए। नाम जी नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। हो वो विजय, विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, दफ्तर कीजिए। जी ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं, जी नहीं वो आप हमखास अहमत कर रहे हैं, बेरा बैग ले जाएगा ऊपर। जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाई तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमुना दास के यहां एक आदमी काम करता था, वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ है यहां पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। अच्छा जी कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर क्यों क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आया था। ढूंढता मुझे कौन? बात क्या है, क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है, मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय, खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन? शट अप। कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर। मगर अगर आप मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपको आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा, और तुम्हें पैसे चाहिए ना तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000?
ढाई लाख के हीरे 10,000 में। सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं, जो मैं कहता हूं करते हो या मैं पुलिस को फोन। ठहरिए ठहरिए, मुझे मंजूर है, मुझे पहले हीरे। हाँ। हीरे पूरे पूरे ढाई लाख के हैं। 10,000 है। अब मेरे यहां से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो, पुलिस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार करो। इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए। पगली से, ये वही आदमी है जो वो हीरे, मेरा सर, ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया, अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब, चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है, और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, लेकिन हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए, और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं, तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को मेरा मतलब है कि हाँ, 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। जी हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आइंदा ऐसी खैर कानूनी हरकत मत करना, और तुम चलो। हाँ हाँ साहब, ले जाइए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है।